उनकी वजह से ही आया। तो होटल मैनेजमेंट किया था, उसके बाद तो रेस्टोरेंट पे, बहुत रेस्टोरेंट पे काम किया। जॉब करती थी पहले, तो अभी कॉलेज में पढ़ती थी। और तो ये झींगा मछली है ना, कितना इसका साइज होगा? ये शुगर पेशेंट का क्यों बोले खाना? दीदी भाई आई लो था भाई मन बचा को दिया। क्या बात कर रहा है? अब देखो दारू दारू, ये देखिए, ये देख लीजिए, तो नमस्कार दोस्तों, अभी जो पीछे आप लोग झोपड़ी नुमा ये जो दुकान देख पा रहे हैं, यहाँ पर मतलब 20-25 नहीं, लगभग हर दिन 500 लोग खाने आते हैं और यहाँ पर लगभग हर दिन 50 से भी ज़्यादा आइटम बनता है। मतलब इससे पहले इतना आइटम मैंने किसी भी दुकान में या किसी भी ढाबा में आज तक नहीं देखा है। तो इसीलिए आज आ गए हैं हम लोग फिलहाल कोलकाता के न्यू टाउन में। मेरे पीछे है फिलहाल ये है डीएलएफ बिल्डिंग, और डीएलएफ बिल्डिंग के ठीक सामने जो एक नंबर गेट है उसका ठीक सामने ये है सरकार ढाबा। और सुना है यहाँ के बारे में कि यहाँ का हर एक आइटम जबरदस्त बनता है, 50 से भी ज्यादा आइटम बनता है, 500 लोग यहाँ पर हर दिन अपना लंच और डिनर करते हैं। तो चलिए आज हम लोग को भी मौका मिल गया है, हम लोग भी आ गए हैं यहाँ का एक से एक स्वादिष्ट टेस्टी और हेल्दी फूड चखने के लिए। कैसा है यहाँ का हेल्दी और टेस्टी फूड हो तो आप लोगों को टेस्ट करके बताएंगे ही, साथ में यहाँ की जो ओनर है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो ढाबा कब से चला रही है, कैसे इस प्रोफेशन में आई, सब कुछ डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जाते हैं अंदर और उनसे बात करते हैं। चलिए, नमस्ते। आपका नाम? कोनिका सरकार। और आपका इस ढाबा का नाम? सरकार ढाबा। सरकार ढाबा, तो ये कितना दिन से है यहाँ पर ढाबा? बहुत दिन से चालू गया है, बट इधर डीएलएफ पे तो 6 महीने हुआ। 6 महीने पहले कहाँ था? इसके पहले तो बहुत जगह पे था, बट सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए इधर अभी। तो टोटल कितना तरह का आइटम आपको यहाँ मिल जाता है? 50 प्लस है, 50 से भी ज्यादा है अभी। हाँ, नॉन वेज आइटम तो है और वेज आइटम भी ज्यादा है। नॉन वेज आइटम में अभी है, नॉनवेज में अभी 7-8, नॉनवेज 7-8 तरह का, 7-10 से ज्यादा है। बिरयानी वगैरह भी रखते हैं? हाँ, बिरयानी तो रखते हैं, चिकन बिरयानी है और मटन बिरयानी हुआ। तो आप इस बिजनेस में कैसे आए? बिजनेस में मेरी हस्बैंड की वजह से आए। अच्छा, आप और आपका हस्बैंड मिलके ये ढाबा? हाँ, पहले वो रेस्टोरेंट पे काम करते थे, तो उसके बाद हमारे एक ढाबा खोल लिया। ढाबा खोलने का आइडिया कहाँ से आया? उनकी वजह से ही आया। अच्छा, वो मतलब पहले से ढाबा वगैरह चलाते थे? नहीं नहीं, चलाते नहीं थे, वो होटल मैनेजमेंट किया था, उसके बाद तो रेस्टोरेंट पे, बहुत रेस्टोरेंट पे काम किया, तो उसके बाद तो अभी। तो आप भी इसके पहले कहीं कोई? नहीं नहीं, हाँ जॉब करती थी पहले, तो अभी कॉलेज में पढ़ती थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के शादी के बाद ढाबा चला रहा है? नहीं, पहले से कर रही हूँ अभी। बहुत कस्टमर सामने, ऑफिस से बहुत कस्टमर आते रहते हैं। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। 11 बजे से रात 11 बजे? अच्छा, तो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है? नहीं, ब्रेकफास्ट अभी चालू नहीं कर पाई हूँ अभी। लंच और डिनर? हाँ, लंच और डिनर है। चिकन लेग पीस है, चिकन लेग पीस कौशा है। चिकन लेग पीस कितना का है? ये 160 का है। और ये चिकन कौशा है? हाँ, चिकन कौशा। चिकन कौशा सिंगल लेने से तो 260 रहेगा, और वन जो थाली के साथ रहेगा तो 2 पीस 80 रुपीस आएगा। 80 रुपीस। ये मटन है? ये मटन? हाँ। कैसे प्लेट? मटन है 130 का मटन थाली। नेक्स्ट है, मैं वेज में आती हूँ। ये वेज है, आलू मटर की सब्जी है। आलू मटर, ये कैसे प्लेट है? आलू मटर है 25 का हाफ, और ये 20 का है। पत्ता गोभी है? पत्ता गोभी का सब्जी? हाँ, पत्ता गोभी है। ये 20 का है। और ये है दही कातला, दही कातला पीस है। ये थाली का लेने से 80 रुपीस। थाली के साथ दो सब्जी, एक भाजा रहेगा और एक पीस दही कतला। तो 80 का है, और सिंगल लेने से 50। सिंगल 50? हाँ, सिंगल 50 का है। और ये फूल गोभी? हाँ, फूल गोभी है, फूल गोभी आलू। 20 का है हाफ।
प्रॉन, हाँ झींगा मछली, प्रॉन मलाई करी है। प्रॉन मलाई करी, हाँ। अच्छा ये कैसे प्लेट? ये प्रॉन मलाई करी का प्राइस है ये 160 का है, दो पीस लेने से 100 में हो जाएगा। और इधर ये अंडा करी, ये है अंडा करी है। अच्छा ये कैसे प्लेट? ये 20 का है वन पीस। ये आलू भाजा है और ये आलू चोखा है। अच्छा आलू का चोखा है, हाँ हाँ। धनिया पत्ता डाल के जो भेजेंगे। और ये है पालक का सब्जी है, पालक, पालक और ये लाल साग। अच्छा इधर है छेना का कोफ्ता है। अच्छा छेना का कोफ्ता, हाँ छेना। ये कैसा प्लेट है? ये दो पीस 35 का है, छेना का कोफ्ता, हाँ। और ये राजमा है। अच्छा ये कोई कोई बोलता है ना राजमा चावल खाना है तो, और बहुत नॉन बंगाली, हाँ ये राजमा है। अच्छा, राजमा। और नेक्स्ट ये ये है दाल है, ये दाल है, ये प्लेन दाल है, राइस के साथ खाने वाला मसूर दाल है। अच्छा मसूर का दाल, हाँ मसूर का दाल है। और पुलाव है, ये वेज पुलाव है, बासमती राइस का वेज पुलाव है। और बस ये सिंगल फुल प्लेट है 50 का। और कोई कॉम्बो चाहेगा तो इसके साथ दो पीस चिकन कोशा रहेगा, दो पीस चिकन कोशा के साथ ले सकते हैं तो 80 में आ जाएगा, 80 में। और जीरा राइस ये 50 का है फुल प्लेट, हाँ 50 का है। और इसके साथ आलू मटर का सब्जी रहेगा तो 50, और जो चिकन कोशा दो पीस रहेगा दो कॉम्बो में तो 80 का। और ये गोविंद भोग राइस का है, खिचड़ी राइस का खिचड़ी है। अच्छा स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, हाँ ये तो सब सब्जी डाल के दिया। ये 50 का है, और इसके ये 50 का है सिंगल फुल प्लेट 40 का है। और इसके साथ इसके 40 का, हाँ हाँ बैंगन बैगुनी आएगा, बैगुनी है और आर्दम आलू, जो आलू मटर थे, पापड़ वगैरह भी, हाँ पापड़ तो रहेगा, पापड़ चटनी रहेगा, हाँ। और ये बिरयानी कितना का है? बिरयानी 80 का है, सिर्फ चिकन आलू रहेगा। और कोई अंडा चाहिएगा तो अंडा के साथ अंडा चिकन बिरयानी 90 का है। मटन बिरयानी रखती हूँ बट संडे को और ट्यूसडे को रखती हूँ, संडे को ट्यूसडे को सिर्फ मटन बिरयानी, हाँ हाँ हाँ। উপর দিয়ে পকোড়া খাবে আর দুটো দিবে না। यहाँ पर तो 50 तरह का आइटम तो यहाँ पर ट्राई करना संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ले लिया है यहाँ का जो मेन जो सबसे हिट आइटम है वो सब ले लिया है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिया है व्हाइट राइस, और यहाँ पर है ये है बासंती पुलाव। साथ में हम लोगों ने लिया है ये है कोफ्ता, छेना का कोफ्ता। और ये लिया है हम लोगों ने मटन, मटन का करी, ये देखिए कलर लाजवाब है इसका। और साथ में यहाँ पर लिया है ये है चिकन, चिकन का ये है करी या फिर कसा बोल सकते हैं। और साथ में लिया है ये हम लोगों ने, ये देखिए ये है जो झींगा मछली होता है, वो झींगा मछली का पकौड़ा है, मतलब उसी को पूरा पेस्ट करके ये बनाया गया है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। थोड़ा सा ठंडा हो गया है बट फिर भी स्वाद गजब का आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इस कोफ्ता के साथ राइस को, देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है कोफ्ता, इस तरह का इसका देखिए अंदर पूरा छेना का बना हुआ है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कोफ्ता ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। गजब लाजवाब, मतलब इससे पहले मैंने इस तरह कोफ्ता आज तक कभी नहीं खाया सही में। तो थोड़ा सा राइस के साथ इसका ग्रेवी के साथ ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। जबरदस्त, मतलब पहला आइटम खाया और पहला ही आइटम एकदम जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगा। चलिए इसे मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, उसके बाद दिखाता हूँ यहाँ का नेक्स्ट आइटम। अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम यहाँ का, ये जो चिकन ग्रेवी है या फिर चिकन कसा कह सकते हैं, उसका स्वाद कैसा है। तो पहले थोड़ा सा ग्रेवी के साथ राइस को लेते हैं, और ग्रेवी में
जैसा कि इसका कलर है एकदम लाल लाल, बट तीखा बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा तीखापन है जितना होना चाहिए, और स्वाद गजब का आ रहा है, मतलब मसाला का प्रॉपर स्वाद आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा इसका ग्रेवी। अब देखते हैं चिकन कैसा है, तो चलिए ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट चिकन है, एकदम जस्ट एक उंगली से इस तरह से छुड़ाए और छूट गया, एकदम सॉफ्ट चिकन है, बहुत अच्छा सा वेल प्रिपेयर्ड है। थोड़ा सा ऐसे ही खा के देखते हैं, जबरदस्त। थोड़ा सा लेते हैं ग्रेवी, थोड़ा सा लेते हैं इसमें चिकन और साथ में जबरदस्त, मतलब लग ही नहीं रहा है कि किसी ढाबा या कहीं बाहर हम खा रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल घर में बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल घरेलू टाइप का खाना है, बहुत जबरदस्त लगा। चलिए इसे मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, फिर दिखाते हैं यहाँ का नेक्स्ट आइटम जो बासंती पुलाव है, और यहाँ का मटन जो है वो कैसा है। अब ले लेते हैं ये जो मटन का ग्रेवी है उसके साथ थोड़ा सा बासंती पुलाव में इसको लेते हैं, और बासंती पुलाव हालांकि हमेशा हर जगह मीठा ही होता है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं इस तरह का किशमिश वगैरह दिया गया है, तो चलिए ग्रेवी के साथ। ये जो बासंती पुलाव है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें मिठास किसी तरह का भी नहीं है, और अगर मटन का ग्रेवी का बात करें तो तीखापन इसमें भर भर के दिया गया है, जैसा ग्रेवी का कलर है वैसा ही उसका टेस्ट भी है, तो बहुत ज़बरदस्त लगा, मतलब तीखापन भर भर के दिया गया। तो और थोड़ा सा लेते हैं ग्रेवी और राइस के साथ, बस हल्का सा थोड़ा सा मिठास है राइस में, ज़्यादा मिठास नहीं है, तो चलिए बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं यहाँ का जो मेन चीज़ है मटन वो कैसा कुक हुआ है, ये देखिए इतना इजीली छूट गया, और अंदर का कलर देखिए पूरा पिंकिश कलर है, और ये कलर रहने से पता चलता है कि मटन कितना फ्रेश है। खा के थोड़ा सा देखते हैं कैसा लगता है, बिल्कुल मुंह में जाते साथ मेल्ट हो गया, इतना वेल प्रिपेयर्ड है, वेल कुक्ड है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए थोड़ा सा ये देखिए पूरा एकदम चर्बी वाला पोर्शन दिया गया है, साथ में चर्बी भी है और मटन का मीट भी है, तो चलिए थोड़ा सा मटन लेते हैं, थोड़ा सा राइस लेते हैं, यानी कि ये बासंती पुलाव लेते हैं, और जबरदस्त जबरदस्त। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी बात करता हूँ। तो सरकार ढाबा का हर एक आइटम जो जो मैंने लिया वो मुझे ज़बरदस्त लगा, अगर आप लोगों को भी इस तरह का टेस्टी और हेल्दी फूड अगर ट्राई करना हो तो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में सरकार ढाबा में ज़रूर आइए और यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करिए। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया धमा लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।